गाइस हम कार्तिक ऑटो एसोसिएशन से आ रहे हैं। कार्तिक ऑटो एसोसिएशन में आए हैं। आप लोग देखिए पीछे कान का नाम कार्तिक ऑटो एसोसिएशन। तो बाइक का कुछ मतलब कुछ चीज़ें लगना था जो देखे ये है, एक चक्का है, एक चक्का नहीं है। आप लोग देखिए तो ये लगाएंगे और कुछ छोटा मोटा मतलब चीज़ें लगाएंगे। तो देखे कार्तिक ऑटो एसोसिएशन किसे कान का नाम आ रहा है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं मैं अभी KTM सर्विस सेंटर हूँ। मेरा बाइक रेडी हो रहा है और 10-12 दिन में अच्छे से बन के आ जाएगा। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो गाइस सब लोग देख रहे हैं ये हमारा गाड़ी। परसों मतलब 10 दिसंबर को मैं गाड़ी का डिलीवर लिया था। आज 12 दिसंबर है। दो दिन में बिजी था इसलिए आज ये ब्लॉग डालने जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं स्विफ्ट VX है, एकदम नया नहीं, मतलब सेकेंड हैंड शोरूम से खरीदा है, जो जोरहाट में के मालो वाले पे है, हिस्सा कार प्लेस वहाँ से खरीदा है। ये देख रहे हैं स्विफ्ट VX है। तो गाड़ी के अंदर तो देख रहे हैं अच्छे से, देख रहे रेड कलर का है स्विफ्ट VX है। तो अंदर जाके दिखा रहा हूँ गाड़ी का मतलब क्या क्या है अंदर में, लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए देख रहे हैं मैक्सलिंग का एलईडी स्क्रीन लगा के रखा है। यहाँ पे आप लोग फिल्म भी देख सकते हैं और कार का बैक भी देख सकते हैं। और ये रहा ऑडियो प्लेयर, इस पर आप लोग ऑक्स केबल लगा कर सुन सकते हैं। ब्लूटूथ का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ये USB चार्जर है, USB चार्जर लगा सकते हैं यहाँ पे आप लोग। और देख लीजिए गाड़ी का अंदर डिग्गी भी काफ़ी अच्छा है, मतलब डिग्गी का साइज भी अच्छा ही है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं मैं गाड़ी का अंदर का व्यू, आप लोगों को देख लिया अंदर का व्यू। मुझे मतलब कार अच्छे से चलाना नहीं आता है तो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, 1 वीक में अच्छे से सीख जाऊँगा। तो कार में व्लॉग्स आएगा, अभी तक तो मैंने बाइक पर ही व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन थोड़ी दिन बाद कार में भी ब्लॉग आने लगा आ जाएगा। कार में भी ब्लॉग आ रहा है तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस गाइस। मैंने कार में आज तक ब्लॉग बनाया नहीं है, मतलब तो बनाऊंगा एक हफ्ते के बाद। तो आज के लिए नहीं गाइस, बाय बाय। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि हमने मारुति सुजुकी स्विफ्ट VX खरीदा है। तो मतलब हमने नया कार इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि हमारा घर का काम भी चल रहा है, उस पर भी बहुत मतलब बहुत खर्चा हुआ है घर के काम में। तो सोचा कि अभी एक दो साल के लिए मतलब कोई सेकेंड हैंड कार खरीद लेते हैं, उसके बाद कोई अच्छा वाला ब्रांड न्यू कार खरीदेंगे। तो इसे कमेंट करके बताना कि हमारा न्यू फैमिली मेंबर हमारा नया कार कैसा लगा। एकदम नया नहीं है, आप लोगों तो जाए आप लोग अगर ये वीडियो लिख लिया है तो आप लोगों को पता ही चल गया कि ये कार नया है कि नहीं। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना, मुझे बस आप लोगों के प्यार चाहिए। आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल गाइस, जॉय आया होम।